हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने जो है दूध गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई किचन की। थोड़ी मैं जो है डीप क्लीनिंग ही करूँगी क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। जो भी गंदगी वगैरह है वो सब मैं क्लीन कर लेती हूँ और सारे डब्बे वगैरह जो है वो सब मैं पोछ लूँगी। पहले जो है कुछ दिन पहले मैंने सारे डब्बे धोए हैं, अभी जो भी निकलेगा खाली डब्बा उसे मैं धो लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर अच्छे से सब साफ़ कर लेती हूँ और पोछ कर सारा डब्बा जो है अच्छे से मैं सेट करके रख दूंगी ताकि जो है किचन देखने में व्यवस्थित लगे, अच्छा लगे। डिब्बा इसलिए धो देती हूँ ना क्योंकि फास्टिंग में कुछ कुछ जो है रखना होता है, इसलिए थोड़े बहुत डब्बे जो खाली होते हैं वो सारे धो लेती हूँ कि सारा सामान फिर उसमें रख सकूँ जो वे फास्टिंग वाला रहे। इसलिए सारा कुछ मैं साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ पे ये देखिए इधर साइड में मैं सब पोछ के जो है डब्बा रख रही हूँ। तो ये इधर दाल वाला रख रही हूँ और इधर मसाला और नमक वगैरह जो है उधर साइड में मैं रख रही हूँ। तो इस तरह से सारा मैं किचन जो है क्लीन कर लेती हूँ और अब जो है यहाँ पे मैं डब्बे धोने के लिए निकाल लिए हैं। ये सारे डब्बे जो है खाली हैं तो इन सभी को मैं धो लेती हूँ और साथ में थोड़ा बहुत बर्तन है वो सभी मैं धो लूँगी। तो सारे डब्बे मैंने धो लिए हैं, बर्तन मैं बाद में धोऊंगी। अब मैं जो है फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रिज को खाली कर लूँगी क्योंकि इस बार जो है मैं पोछूंगी नहीं, मैं पूरा जो है इसे निकाल कर अच्छे से धोऊंगी। वैसे तो मैं महीना में एक या दो बार सारा जो है ये सब पोछ देती हूँ। एक बार ज़रूर पोछती क्योंकि हल्का फुल्का जो है दाग लग जाता है, इसलिए मैं पोछ देती हूँ। लेकिन अभी मैं अच्छे से जो है धोऊंगी क्योंकि फेस्टिवल में कुछ भी रखना होगा तो इसमें रखने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो मैं इसमें जो है लहसुन प्याज का चीज़ नहीं रखती हूँ, बहुत कम ही रखती हूँ। अगर रखती भी हूँ तो जो सब्ज़ी वाला नीचे वाला होता है उसमें रख देती हूँ और उसे मैं बाद में पोंछ देती हूँ, और साइड में जो डोर वाला होता है या तो फिर उसमें रखती हूँ तो उसे भी बाद में मैं पोंछ देती हूँ। लेकिन अभी फेस्टिवल है, नवरात्रा आ रहा है तो नवरात्रा में फास्टिंग रहेगा तो कुछ कुछ जो है रखना होगा, इसलिए सारा अच्छे से मैं धो लेती हूँ। और धोने के बाद जो है फ्रिज को अच्छे से पोछूंगी। तो सारा मैंने धो लिया है, अब यहाँ पे मैं जो है फ्रिज को पोछ लेती हूँ अच्छे से। ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो है गंदा हो गया है, तो पहले मैं इसे स्क्रब से जो है रगड़ दूंगी, उसके बाद इसे सूखे कपड़े से और गीला कपड़ा से अच्छे से मैं पोछ लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज को मैंने अच्छे से जो है पोछ लिया है। अब ये जो सारा निकाला हुआ है पार्ट, इसे भी मैं पोछ कर जो है लगा दूंगी क्योंकि सारा कुछ बाहर है तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए फटाफट से मैं जो है फ्रिज का काम ख़त्म ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो है किचन में लगूंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद जो है फटाक से नहा लूंगी। तो यहाँ पे सारा मैं सेट कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैं सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रिज को मैंने सेट कर दिया है। अब जो भी दूध वगैरह मैंने बाहर निकाल रखा है वो मैं रख देती हूँ और फ्रिज को कर देती हूँ ऑन। तो ये हो गया फ्रिज की साफ़ सफाई कंप्लीट। अब चलते हैं किचन में और सब्ज़ी जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, आलू पटल का सब्ज़ी बनाऊँगी और जब तक सब्ज़ी रेडी होगा तब तक मैं नहा भी लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से स्नान वगैरह करने के बाद। चलिए बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है, अभी मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है, अब बस मुझे रोटी बनाना है। तो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि इनको निकलना है अपने काम से, तो रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बातें करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, अभी ना शाम का टाइम हो गया है और उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, थोड़े बहुत काम ही कर रही थी और कपड़े भी धोए थे वो सब मैंने डाल दिए हैं। अभी तो जो है बारिश हो रही है, सूखेगा तो नहीं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, शाम के टाइम में तो चाय ज़रूरी है। और अभी मुझे ये भी फ्रिज में लगाना है, इसे मैंने
नहीं लगाया था क्योंकि सूखा नहीं था और जितने डब्बे वगैरह थे ये सब मैं साइड में रख देती हूँ इसमें से निकाल के, और ताकि जो है पानी जो इसका है वो निकल जाए, सूख जाए। अभी आ रहे फेस्टिवल तो ये सब तो करना रहेगा, सबसे ज़्यादा तो दिवाली में रहता है साफ सफाई, तो थोड़े थोड़े करके ही सारा कुछ करके रख देती हूँ, एक साथ नहीं हो पाता है ज़्यादा। अभी बहुत ही ज़्यादा है, मुझे घर भी साफ करना है तो वो तो मैं हमेशा तो करूँगी, यानी 2 तारीख को जो है सब करूँगी, वो सब एक ही बार होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा जो है मैं करके रखते रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। भाई फेस्टिवल तो आता है लेकिन एक बात है, काम बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो क्लीनिंग का काम होता है फेस्टिवल में, बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग होता है फेस्टिवल में। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, लेकिन फेस्टिवल में क्लीनिंग क्यों इतना ज़्यादा होता है समझ में ही नहीं आता है। कोई भी फेस्टिवल हो उसमें क्लीनिंग का काम तो एकदम रहता ही रहता है, बाकी तो बनाना ये सब रहता है लेकिन क्लीनिंग का काम बहुत ही ज़्यादा रहता है। चलिए चाय बना लेती हूँ और उस चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद दिया भी खा लूँगी, उसके बाद जो है चाय पीऊँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी फ्रिज बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम क्लीन क्लीन, अभी सेट कर दूँगी वो दोनों तो और अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैसी ही है क्योंकि इसका सामान इधर उधर रखा हुआ है। चलिए मिलते हो आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रखा है तो सोच रहे कुछ अलग ही बनाऊं, थोड़ी ठंडी जैसी मौसम है तो कुछ गर्मा गर्म जो है खाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही थी दाल बाटी बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास चना दाल नहीं है तो दाल बाटी तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ बाटी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चोखा, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने सामान जो है निकाल दिया, तो पहले तो आलू और टमाटर को बॉयल होने के लिए मैं रख देती हूँ गैस पे, तब तक जो है मैं सत्तू बनाकर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सत्तू बनाने में टाइम लगता है, उसको जितने अच्छे से हम मसल कर बनाते हैं उतना ही वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो पहले मैं आलू और टमाटर बॉयल होने के लिए गैस पर रख देती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं सत्तू बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों डिनर की जो है सारी तैयारी मैंने कर ली है, बाटी भी मैंने तैयार कर दिया, बस उसे एयर फ्रायर में जो है फ्राई करना है, और यहाँ पे चोखा भी रेडी हो गया है, तो आलू टमाटर का मैंने जो है चोखा बनाया है, अब मुझे इनका वेट करना है, ये आएंगे तब जो है एयर फ्रायर निकालूंगी और फ्राई कर दूंगी।
तो फिलहाल करती हूँ मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फेस्टिवल के पहले इतना साफ सफाई क्यों करना पड़ता है, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से।